अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज का जिक्र आपसे करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें जो आपसे क्लास में डिस्कस की जा चुकी हैं, उन्हीं चीज़ों को अलग हटकर रिपीट के आपके पास पेपर्स में कैसे आए, उनसे मुतालिक भी बात आपसे डिस्कस की जाएगी। जैसा कि चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर से मुतालिक कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उन्हीं से मुतालिक कुछ क्वेश्चन हैं, आइए जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, The nature of the positive rays depends upon positive rays बेटा हमने discovery of protons के लेवल पे पढ़ी थी, जिन्हें Carnot rays का नाम भी देते हैं। तो all of the nature of gas पे depend करते हैं, nature of discharge tube यानी cathode anode पर depend करता है, ठीक है, और electrode की nature पर भी depend करेगा। nature of gas, nature of discharge tube and all of the above, ठीक है। question number star 1 जो आपके पास है बेटा, द नेचर ऑफ द नेगेटिव रेस यानी कि हमने कैथोड पार्टिकल कैथोड रेस का जिक्र किया था, वो डिपेंड नहीं करती द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर, द नेचर ऑफ गैस पर, द नेचर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब पर, लिहाजा क्वेश्चन स्टार 1 का भी आंसर है नन ऑफ दैट। क्वेश्चन नंबर 2, द कैथोड रेस स्पिन इन अ स्मॉल पेडल व्हील प्लेस इन देयर पाथ, दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट बेटा, ये जाहिर करती है कि कैथोड रेस मटेरियल पार्टिकल्स हैं और जिनका कुछ मोमेंटम होता है यानी कि मैकेनिकल एनर्जी रखती है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी, 1 स्टार का डी, 2 का भी डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि नो कैथोड रेस प्रोड्यूस इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड गैस इज अंडर ऑर्डिनरी प्रेशर इवन इफ वोल्टेज ऑफ 5000 टू 10000 इज अप्लाइड, तो बेटा गैस डज नॉट कंडक्ट करंट अंडर ऑर्डिनरी प्रेशर। आपने यहाँ पर ऑर्डिनरी प्रेशर रखा है, आपने वोल्टेज तो ज्यादा लगा दिए, अगर ऑर्डिनरी प्रेशर पर गैस में से करंट पास नहीं होता, लिहाजा ऑप्शन बी इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ वी हैव टू प्रोसीड आवर क्वेश्चन नंबर 4, ए पॉजिटिव रेस इन डिस्चार्ज ट्यूब, ए पॉजिटिव पार्टिकल्स इन डिस्चार्ज ट्यूब आर प्रोड्यूस बाय द आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स व्हिच इज कॉज्ड बाय, कॉज्ड बाय का मतलब क्या, कैथोड रेस रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैस मॉलिक्यूल्स। इस तरह से कि आप जानते हैं कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन नेगेटिव चार्ज पर होगी, तो कैथोड रेस का मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि कैथोड ट्यूब की बात हो रही है, लिहाजा कैथोड ट्यूब में आपका जो कैथोड है बेटा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हो, बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैथोड ट्यूब भी एक्सेप्ट करती, एनोड उसे अपनी तरफ खींचकर आयोनाइज कर देते हैं। आयोनाइजेशन ऑफ द गैस इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड, ठीक है, गैस में से एनोड इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी, कैथोड रेस रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैस मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 5, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज अपॉन मास ई अपॉन एम रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिटरमिन्ड बाय, ऑप्शन बॉय इज करेक्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जे जे थॉमसन, ठीक है, जॉर्ज स्टोनी ने बेटा, जॉर्ज स्टोनी ने, जी टी स्टोनी जिसको कहते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था और इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम जिसने निकाला उसका नाम है जे जे थॉमसन। सी क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा पार्टिकल्स आर, अल्फा पार्टिकल्स क्या है बेटा, हीलियम न्यूक्लियाई, ये मैं आपको क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ, क्लास में बता चुका हूँ कि हीलियम न्यूक्लियाई को हम नाम देते हैं अल्फा पार्टिकल्स। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं, लिहाजा जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिमूव हो जाएंगे, आफ्टर द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन from the helium atom, helium atom become helium ion, इसको alpha particles कहते हैं, और alpha particle का sign alpha पे 2 plus charge देते हैं, 2 और 4, mass number 4 है, 2 proton, 2 neutron, और इसके पास 2 electron भी थे, और जब alpha particles बन गए तो electron remove हो जाएंगे। Question number 6 का option D, dirty, right? Question number 7 है कि the spontaneous emission of radiation from a radioactive substance is called रेडियो एक्टिविटी, क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बॉय इज करेक्ट, बेस्ट रेडियो एक्टिविटी। बीटा रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा बीटा पार्टिकल्स बेसिकली क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए इनको बीटा पार्टिकल कैथोड रेज बीटा रेज भी कहते हैं, मतलब ये रेज नहीं है बेसिकली, ये मैटर, अल्फा बीटा वो होता है मटीरियल नेचर, जबकि गैमा रेडिएशन जो होती है बेटा वो नेचर वाइज क्या है, न्यूट्रल है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है। क्वेश्चन नंबर 9 के विच रेज आर है, विच रेज एंड नो चार्ज एंड नॉन मटेरियल इन नेचर, कि बेटा विच रेज हैज
नो चार्ज एंड नॉन मटीरियल इन नेचर दे आर कॉल्ड गैमा रेडिएशन. क्वेश्चन 8 का सी है. क्वेश्चन 9 का भी आंसर सी आंसर इज करेक्ट. नाउ वी हैव टू प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर 10. द फिनोमिनन ऑफ द emission of radiation from the nuclear lighter atoms due to the bombardment of moving particle is known as artificial radioactivity. Question 10, option A is correct. Question number 11, when high energy electrons collide with the anode, a very penetrating kind of radiation is produced. Röntgen called them X-rays. X-rays. So question 11 ka option D is correct. D is correct, X-rays. जिन्हें रोंजन रेस का नाम भी देते. क्वेश्चन नंबर 12, रदरफोर्ड बम्बार्डेड थिन गोल्ड फॉइल. बेटा रदरफोर्ड ने बम्बार्डमेंट की थी किसके पार्टिकल्स की? अल्फा पार्टिकल्स की. ठीक है, अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड बम्बार्डेड. डैश पार्टिकल ऑन थिन गोल्ड फॉइल, वो है अल्फा पार्टिकल. 12 का ऑप्शन सी इज करेक्ट. Question number 13, Rutherford planetary like picture of the atom model was defective because. Question number 13 के लिहाज से moving electrons should radiate energy continuously. याद रखिए, अच्छा Rutherford ने तो एक आपसे बात की थी कि जो बोहर के लिहाज से थी कि सर्कुलर मोमेंटम के तौर पर होगा, सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे. अगर बेटा एक साइंटिस्ट जी ब्रोजली ने इसके बारे में कहा था कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली डुअल नेचर रखते हैं. बहरहाल तो प्लैनेट की तरह के सूरज के इर्द गिर्द मुख्तलिफ प्लैनेट्स आपके सामने रोटेट करते हैं, लिहाजा रदरफोर्ड ने उसको एक एटम को भी उसी से मुशाबे करार दिया था. सिमिलर कहा था कि जैसे सोलर सिस्टम इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सेंट्रल में न्यूक्लियस को आप सूरज समझ लीजिए और उसके अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, रोटेट करते हैं. तो ये डिफेक्टिव था क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा, इसी को कहते हैं डुअल नेचर के. वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लाइक मटेरियल के तौर पर भी आता है और मैटर के तौर पर भी इंट्रोड्यूस हो. तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी इज करेक्ट. द स्पेक्ट्रम ऑफ इनकैंडेसेंट गैस इज कंटीन्यूअस. क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर डी ऑप्शन इज करेक्ट, कंटीन्यूअस. इनकैंडेसेंट का मतलब बेटा दहक कर फौरी तौर पर रोशनी देगा, उसको कहते हैं इनकैंडेसेंट गैस या इनकैंडेसेंट लैंप. यहां पर क्या आएगा? कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम. क्वेश्चन 14, बोहर मॉडल ऑफ एटम इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय. बेटा क्वेश्चन नंबर 15 के लिहाज से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बुनियाद पर बेटा ये चीज कॉन्ट्राडिक्टेड है. जी, डुअल नेचर ऑफ एटम, लास्ट क्वांटम थ्योरी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी करेक्ट है. ऑल ऑफ देम इज नॉट करेक्ट. बोहर के एटम से मुताल्लिक बात हो रही है तो कॉन्ट्राडिक्टेड कंडीशन में उन्होंने सर्कुलर पाथ की बात की थी और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कहा था कि ओवल शेप हुआ करते हैं. 15 का सी आंसर इज करेक्ट, दिस वन. क्वेश्चन नंबर 16, बेटा अब आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है तो कैलकुलेटर की मदद से आप ये काम कर सकते हैं. रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम इज 0.529 एमस्ट्रॉन्ग डिग्री, व्हाइल सेकंड ऑर्बिट इज 2.11 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग. तो थर्ड ऑर्बिट क्या होगा? तो बेटा 3 का स्क्वायर कीजिए, 9 आएगा. 9 को मल्टीप्लाई कर ले 0.529 से तो इसका आंसर आपके पास बनेगा 4.76. तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो करेक्ट आंसर है ए. काम कैसे करोगे? आपके पास फॉर्मूला जो आपके पास मौजूद है, फॉर्मूला ये है, एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529. 0.529 जब आप करेंगे, ठीक है, एन स्क्वायर, तो एन की जगह पर फर्ज कीजिए आपने लिखा 3, बेटा 3 का स्क्वायर हम जानते हैं क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा. लिहाजा 9 को जब तुमने मल्टीप्लाई किया 0.529 से आने वाला आंसर ए आएगा, यानी 4.76. राउंड ऑफ कर लिया जी, ये इसका सिंपल फॉर्मूला. लिहाजा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ गया ए. अब बेटा क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर देखिएगा, आप लोगों ने स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का हिस्सा पढ़ा था,
आपने चार सीरीज नहीं पांच सीरीज का नाम पढ़ा था। सबसे पहली सीरीज का नाम लाइमन था, सेकंड सीरीज को आपने नाम दिया था बैमर सीरीज, तीसरी सीरीज का नाम पेस्टन था, चौथे को ब्रैकेट और पांचवे को पीफर्ट का नाम दिया। सिर्फ याद रहे बैमर सीरीज जो थी बेटा वो आपके पास विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है, लिहाजा एन 4 से N1 तक जा रहा है, तो 1 का मतलब है लाइमन, 2 का मतलब बैमर, 3 का मतलब पेस्टन, बी ब्रैकेट का मतलब बेटा 4 और पीफर्ट का मतलब है 5। लिहाजा इलेक्ट्रॉन जब फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट जा रहा है, ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम, द रेडिएशन इमिटेड गिव स्पेक्ट्रल लाइंस इन अल्ट्रा वायलेट रीजंस, ये क्या है बेटा लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज, बैमर सीरीज आप जानते हैं किसमें होती है विजिबल स्पेक्ट्रम, पेस्टन सीरीज किसमें थी इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड था ब्रैकेट और पीफर्ट सीरीज, ठीक है। यानी आप इस चीज को यहाँ पर इस तरह से भी देख सकते हो। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में थी, बैमर सीरीज विजिबल है, पेस्टल सीरीज इंफ्रारेड, ब्रैकेट सीरीज फार इंफ्रारेड और पीफर्ट सीरीज भी फार इंफ्रारेड में थी। लिहाजा आपको ये दोनों की दोनों डायग्राम इस बात की वजाहत करती हुई नजर आएंगी कि ये जो रीजन कैसा था, इनफाइनाइट रीजन से बेटा ऑर्बिट नंबर 1 की तरफ आ रहा हो तो आपने कहा लाइमन सीरीज, सेकेंड पर रह जाए तो बैमर, थर्ड पर आकर रुक जाए तो पेस्टल, फोर्थ पे रुक जाए तो ब्रैकेट, पांचवे पे रुक जाएगा तो आकर नाम दिया था पी फंड सीरीज, राइट। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए करेक्ट है। अभी बेटा N5 से सेकेंड ऑर्बिट तक जा रहा है, तो अब आपके नजदीक करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बैमर सीरीज ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट तो अल्ट्रा वायलेट रीजन, तो रेडिएशन की स्पेक्ट्रल लाइंस इन अल्ट्रा वायलेट रीजन की बजाय आप और मैं क्या नाम देंगे, 5 से बेटा सेकेंड में आ जाए तो वो आपके मेरे लिए क्या बनेगा विजिबल रीजन कहलाए, ठीक है। लिहाजा ये विजिबल रीजन की बात बनेगी और इसका ऑप्शन डी चले हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपके मेरे पास ये जी, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम N5 से आपके पास पहुंचता है 1 में तो लाइमन है, 2 में आता है तो पैमर सीरीज कंसीडर किया, 18 का भी क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने मौजूद है। द ऑर्बिटल व्हिच हैज स्फेरिकल शेप इज कॉल्ड एस ऑर्बिटल ए, द ऑर्बिटल व्हिच हैज डम्बेल शेप इज कॉल्ड पी ऑर्बिटल, जबकि याद रहे डी वाला आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब उसमें डबल डम्बेल का नाम देते हो। बेटा द बोहर्स थ्योरी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। उसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ऑल ऑफ दीज, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, 21 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। बेटा 20 का आपके पास था पी पी ऑर्बिटल, 19 का था ए एस ऑर्बिटल और 21 का है डी ऑल ऑफ दीज, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नोन एज एनर्जी लेवल, ऑर्बिट, शेल, ऑर्बिटल। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन जी, दोबारा सुनो, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नोन एज ऑर्बिटल डी, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन है डी ऑर्बिटल, राइट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज 10, और अगर मैं इसमें एक क्वेश्चन का इजाफा करूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल इज, आपका मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। तो बेटा डी के बजाय आपको मैंने कह दिया एफ ऑर्बिटल इज, अब आपके पास करेक्ट आंसर क्या बनेगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एफ ऑर्बिटल इज 14, डी में आते हैं 10, एफ में आते हैं 14। अच्छा अब अगर मैं इस चीज को जरा सा क्वेश्चन को चेंज करूं आपके लिए,
24 के स्टार की बात कर ली जाए तो फिर कंडीशन आपके मेरे लिए क्या बनेगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल इज बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स की बात आएगी तो ऑप्शन हमें चेंज करने पड़ेंगे, 3, 5, 7 और कह दिया नन। बेटा डी ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या आती है, 5, सही है। और अब अगर आप इसी क्वेश्चन को इसमें चेंज कर लें डबल स्टार 24 दे देते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल में बेटा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद है 7 और पी में कितने पेयर्ड होंगे, 3, पेयर 3 है जब 6 होंगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 5 पेयर हो गए, एफ में 7 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन है तो लिहाजा तो बेटा 24 स्टार का है पी 5, डबल स्टार 24 का है 7, यानी कि एफ ऑर्बिटल में 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 24, द इलेक्ट्रॉन्स आर पुट इन एनर्जी सब लेवल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 24 पर तवज्जो दीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 बेटा क्या बता रहा है, एफ का प्रिंसिपल, एफ का रूल्स को जाहिर कर रहा है, एफ का। क्वेश्चन 24 का है बॉय। क्वेश्चन नंबर 25, द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपके पास आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्वेश्चन 25 का ऑप्शन बॉय, बॉय इज करेक्ट 25। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी आर अवेलेबल टू इलेक्ट्रॉन दे विल लिव इन द सेपरेट ऑर्बिटल्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर आपके पास मेरे पास जो चीज मौजूद होगी इसके अंदर आपने मैंने कंसीडर करना है सी, और वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी के अंदर होते हैं तो लिहाजा उनके तमाम इलेक्ट्रॉन और नंबर्स जिन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं वो सेम और सिमिलर नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 27, ये अब रिड्यूस सिलेबस का पार्ट नहीं था, ये क्वेश्चन मौजूद है फिर भी कर लीजिए, विच आयन हैज ग्रेटर साइज। देखिए जब हम किसी भी ऑर्बिट में ऊपर से किसी भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते चले जाएंगे, और जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो बेटा उनका साइज बड़ा होता चला जाएगा। अब अगर कोई एटम पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन देने के बाद प्लस साइन बनाता है तो एक उनका ऑर्बिट रिड्यूस हो जाएगा, लिहाजा लिथियम का साइज अपनी गली में सबसे इस बिल्डिंग में सबसे छोटा, सोडियम को उससे बड़ा, पोटेशियम उससे बड़ा, रुबीडियम सीजियम फ्रेंशियम को ऊपर से नीचे आते हुए साइज ऑफ एटम बड़ा होगा। अभी आ जाइए ग्रुप नंबर 7 का है, सबसे पहला एलिमेंट है फ्लोरीन, उसके नीचे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, इसका मतलब ग्रेटर आयोनिक साइज किसका है, आई माइनस वन का, क्योंकि आई सबसे नीचे है लिहाजा इस वजह से इसका आयोनिक साइज सबसे बड़ा होगा आयोडीन। एटम में भी आयोडीन सबसे बड़ा है और आयन की फॉर्म में भी सबसे बड़ा, और सबसे छोटा साइज क्लोरीन का है आयन की फॉर्म में भी और एटम की फॉर्म में भी। क्वेश्चन 27 हो गया बेटा, अच्छा 12 चूंकि अब आयोनिक और कोवेलेंट वाले बॉन्ड आपके सिलेबस का इस साल पार्ट नहीं रहे सिलेबस के लिहाज से, अगर 12 यहाँ पर देखा गया सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर के अंदर कुछ बेटा एमसीक्यू जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं थे रिड्यूस सिलेबस के बावजूद पूछ ली गए, लिहाजा हम भी इसके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान 1.6 है, ठीक है, देन बॉन्ड इज, तो बॉन्ड की नेचर आयोनिक होगी, तो क्वेश्चन नंबर 28, मोर देन 1.6 होगा तो आयोनिक, लेस देन 1.6 है तो बेटा कोवेलेंट, और अगर 0.4 से बिलो होगा तो कोवेलेंट का हिस्सा आएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये जिस क्लास में डिस्कस में कर चुका हूं, क्वेश्चन 28 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आयोनिक। क्वेश्चन नंबर 29, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड एटम
for ni is called, beta, it is called electron affinity. Atom से जब energy release होगी, beta, उसको नाम देंगे electron affinity. इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एटम में जब एनर्जी दाखिल करेंगे उसे नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 का हिस्सा ऐड कर लेते हैं, स्टेरिक 29 का हिस्सा कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is released to from an isolated atom to form anion is called to beta. अब इसका आंसर आएगा ionization potential, ionization energy. एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एटम जो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा उसका नाम आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, और जब इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड होगा और एनर्जी रिलीज होगी उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अगर मैं इसके अंदर एक चीज को इजाफा कर दूं, देखो अगर मैं एनायन मिला लूं, अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट किया जाता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो पॉजिटिव आइन आता है. मगर यहाँ पर ये एन अलग और आइन अलग का मतलब था एक आइन बन रहा है. स्टार 29 का जो क्वेश्चन का आंसर है बेटा वो ए है. 29 क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. क्वेश्चन नंबर 30, आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट, ऑल ऑफ देम. क्वेश्चन 30 का ऑप्शन डी इज करेक्ट. बेटा विच एलिमेंट हैज हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का टेबल आपके पास मौजूद नहीं था. लिहाजा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन. बेटा बोरॉन का साइज सबसे छोटा होता है, कार्बन एक नॉन मेटल है, लिहाजा उससे इलेक्ट्रॉन छीनना मुमकिन नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. तो बेटा सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जिस एलिमेंट की होगी वो आपके पास बोरॉन का हिस्सा है, बोरॉन. ठीक है बेटा, जिसका एटॉमिक साइज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो लिथियम का एटॉमिक साइज बेरिलियम और बोरॉन के मुकाबले बड़ा है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा. हाँ, विच एलिमेंट हैज लो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तब वो लिथियम आएगा. हाई की बात हो रही है तो बोरॉन आएगा, बी. Which radiation has higher ionization power? आप बच्चों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ते वक्त अल्फा, बीटा, गैमा की रेडिएशन एक्टिविटीज पढ़ी थी, लिहाजा आप जानते हैं कि बेटा गैमा की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा थी, आयोनाइजेशन पावर कम थी. लिहाजा क्वेश्चन नंबर 32 के लिहाज से विच रेडिएशन हैज हायर आयोनाइजेशन पावर, बेटा आयोनाइजेशन पावर जिसकी वो अल्फा, जिसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है उसकी आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, अल्फा. 32 का आंसर ए, विच रेडिएशन हैज हायर पेनिट्रेशन पावर, बेटा जिसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है वो है गैमा रेडिएशन. 33 का है सी. क्वेश्चन नंबर 34, कंप्लीट द इक्वेशन बेरिलियम प्लस हीलियम. बेटा ये आपके पास मौजूद है हीलियम का हिस्सा. अब अगर आप लोग एक बार देखिए तो मैं और आप इसको हीलियम को एक और तरीके से इस तरह से भी शो कर सकते हैं. इसका साइन कैसे होता है देखिए, अल्फा पार्टिकल को मैं और आप कैसे शामिल कर सकते हैं. ये लीजिए कि अल्फा का साइन आ गया. अगर हम अल्फा पार्टिकल्स की बात करते हैं बेरिलियम फॉइल के ऊपर, बेटा हमने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की थी, हीलियम का न्यूक्लियस कहिए या अल्फा पार्टिकल्स कहिए, दोनों बातें एक ही कहलाएंगी. क्वेश्चन नंबर 35, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 36, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, ऑर्डिनरी, नन ऑफ दीज. बेटा ऑप्शन बी इज करेक्ट, लो प्रेशर पर. लो प्रेशर पर गैसेस में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है. नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर इज कॉल्ड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. लिहाजा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल
इसका स्टेटमेंट इस लॉ का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 39, 1 फेराडे इज इक्वल टू 96,500। ऑप्शन बॉय बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, ठीक है। तो 96,500 ये इसका करेक्ट आंसर है। अब बेटा 40 क्वेश्चन, 39 का ऑप्शन बॉय बी इज करेक्ट, बी। क्वेश्चन 40, 1913 में मोजले ने यूज द एक्सरे टू डिटरमिन द एटॉमिक नंबर, मास नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास। बेटा एक्सरे की मदद से मोजले ने जो काम किया था बेटा, वो काम था एटॉमिक नंबर। और आपने एक्सरे से पढ़ा था कि जब हम किसी भी एटम की तरफ से एक्सरे निकालते हैं, आप लोगों ने ये बात पढ़ी भी है, वो बात क्या थी, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, मास नंबर बढ़ता जाएगा, वेवलेंथ बेटा बड़ी होती रहेगी और फ्रीक्वेंसी कम होती रहेगी, ठीक है। तो लिहाजा इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी ज्यादा एटॉमिक नंबर कम, फ्रीक्वेंसी कम तो एटॉमिक नंबर ज्यादा, सही है। उसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन इन द हीलियम एटम हैव डिफरेंट क्वांटम नंबर, ऑक्यूपाई डिफरेंट शेल्स, हैव सेम स्पिन क्वांटम नंबर, हैव डिफरेंट क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर। बेटा 41 के अंदर सारे क्वांटम नंबर सेम थे, सिर्फ और सिर्फ एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज था, 41 का ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए ये वाले क्वेश्चंस आपने अपने पास पेपर्स में ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, मैं आपको इनके साथ साथ बात बताता चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 पर चले जाइए, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन आपने पढ़ लिया है डी। क्वेश्चन नंबर 42, द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल ऑर्बिट कैन बी डिटरमिन्ड बाय 2n2, 2n2 बी, नंबर ऑफ अवेलेबल सब शेल्स इन अ इन एन ऑर्बिट इन अ शेल कैन बी डिटरमिन्ड बाय, यानी किसी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, उसके लिए बेटा करेक्ट आंसर आपका आएगा ए, एन स्क्वायर। जरा सोचो पहले वाले शेल में तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है एस, लिहाजा एन की जगह पर वन लिखो, वन का स्क्वायर करोगे वन आएगा। सेकेंड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एट, इसका मतलब गाड़ियां ऑर्बिटल्स कितने हैं चार, लिहाजा फोर के अंदर टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो एट आ जाएगा। तो बेटा एन की जगह पर टू लिखो, टू का स्क्वायर कीजिए फोर। अवेलेबल ऑर्बिटल्स किसी भी शेल में कितने हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला है एन स्क्वायर। अब आइए कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एन ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। बेटा अब जरा दो बातें समझिएगा, पी में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, एस में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, डी में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपसे कहा जा रहा है आपके ख्याल में कौन सा फॉर्मूला सही होगा, आइए जरा देखते हैं। एल की जगह पर जीरो लिखो, जीरो को टू से मल्टीप्लाई करो जीरो, जीरो में वन जमा करें वन और टू वन जा टू, तो एल की वैल्यू जीरो होती है एस के लिए, एल की वैल्यू जीरो होती है एस के लिए। इसी तरीके से आप इस चीज को यू भी कह सकते हो, एल की जगह पर वन लिखिए, टू वन जा टू तो टू प्लस वन थ्री, थ्री टू जा सिक्स। याद रहे ऐसी न्यूट्रल क्वांटम नंबर एल बराबर होता है जीरो, तो आपके पास मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल आता है एस। अगर एल की वैल्यू बराबर है वन, आपके मेरे लिहाज से कौन सा ऑर्बिटल होगा पी, ये ऐसी न्यूट्रल क्वांटम नंबर की कीमत है। एल की वैल्यू बराबर है टू तो ऑर्बिटल है डी, एल की वैल्यू एल बराबर है थ्री बेटा इसका मतलब है एफ, वन जीरो जीरो वन टू और थ्री। अच्छा अब हमने कहा कि डी में आते बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, तो एल की जगह पर टू लिखो, डी के लिए एल की वैल्यू टू है, एल टू मल्टीप्लाई बाई टू फोर, फोर प्लस वन फाइव, फाइव को टू से मल्टीप्लाई कीजिए 10। तो किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन कैपेबल कर सकता है, रख सकता है, तो फॉर्मूला है 2, 12 प्लस 1। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 ये है कि सब एनर्जी कंटेंट्स और ओरिएंटेशन, यानी कोई भी ऑर्बिटल कितने हिस्सों में तकसीम हो सकता है। बेटा याद रहे पी ऑर्बिटल के तीन हिस्से थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी के पांच हिस्से थे और एफ के सात हिस्से थे। इसके लिए फॉर्मूला आपके पास आएगा 2L plus 1, option C is correct for question number 45.
तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए 2n प्लस 1 का फॉर्मूला आपके लिए वैलिड होना चाहिए। अब मैंने कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज यहाँ से निकाल दिए जो आपके पास पेपर्स में आए हुए, लिहाजा डायरेक्टली पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे ताकि एक रिपीट ना हो। ये बेटा चारों क्वेश्चन 42, 43, 44 और 45 आपको 2019, 18 और 17 के अंदर 1 by 1 रिपीटेड फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब मैं इसको लेकर जा रहा हूँ आपके पास पेपर से मुताले, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज का ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आपके पास पेपर्स की तरफ। ये पास पेपर्स चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। अब ये देख लीजिएगा कि द कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, वायलेट कलर। बेटा स्पीड ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो वायलेट की सबसे कम है। n plus l value of 3d orbital is 5. बेटा d की वैल्यू 2 थी, 3 को 3 plus 2 कीजिए 5 आ जाएगा। अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा बेटा ये जो कोफिशिएंट का नंबर है ये n नंबर कहलाता है, शेल नंबर n, स्मॉल n। उसके अलावा l की वैल्यू 0 है s के लिए, l की वैल्यू 1 है p के लिए, l की वैल्यू 2 होती है d के लिए, l की वैल्यू 3 होती है f के लिए। अब आ जाओ, this series of line is produced when the electron jumps from fourth orbit to second orbit, Bamer series. The maximum number of electron can be accommodated in f orbitals. F orbitals beta kitne 14. अब आप देखो, the maximum number of electron in a particular energy level is determined by 2n square. और किसी भी maximum number of electron in a particular sub energy level orbital में कैसे निकालेंगे 2 2l plus 1, जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल्स और ऑर्बिटल्स कितने इसमें में टूटते हैं, P3 में, D5 में, F7 में, उसका फॉर्मूला है 2l plus 1। जबकि बेटा किसी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, 8 4 9 16, लिहाजा वो फॉर्मूला आ गया सिर्फ और सिर्फ n स्क्वायर। वो फॉर्मूला क्या आ गया, n स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। अब बेटा ये जो भी आपने एक्सरे से मुतालिक पढ़ी थी, इस बात को सुन लो, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। और अगर फर्ज कीजिए इस जगह पर मैं लव्स का इजाफा कर दूं, इनडायरेक्टली, बेटा इनडायरेक्टली की जब आप बात आएगी बेटा उसके लिए फिर आंसर क्या आएगा, वेवलेंथ। मेरी बात को सुन लीजिए आप, उनके बाद एनर्जी ऑफ ईच क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो फिर तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा वेवलेंथ। इस सवाल के लिहाज से आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, वेवलेंथ, ठीक है। और अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, और आपसे कहूंगा कि बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात, फिर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी। आगे बात समझ में, लिहाजा एनर्जी ऑफ ईच क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, और अगर इनडायरेक्टली कहोगे तो वेवलेंथ की बात आएगी, वेव नंबर नहीं। वेव नंबर फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम होता है बच्चे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। दीज रेडियोएक्टिव रेज आर नॉन मटेरियल इन नेचर, गामा रेज हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिनोटेड बाय -ZE²/R, जबकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ZE²/2R। बेटा माइनस की वजह यह है कि आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी सलाहियत के खिलाफ होती है, लिहाजा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है माइनस का ZE²/R, और काइनेटिक एनर्जी में याद रखो माइनस खत्म होकर ZE² हो गया और R से पहले 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई स्क्वायर नहीं है, 2R है। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मुताल्लिक है, ना क्रिकेट बॉल, ना एरोप्लेन, ना अर्थ, लिहाजा इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ क्वांटम नंबर्स वैल्यू जो 3D ऑर्बिटल्स आर, n बराबर 3 है, l बराबर 2 है, और अगर फर्ज करो मैं इसकी जगह पर आपसे कहता हूं 3s, तो बेटा फिर करेक्ट आंसर तुम्हारा क्या आएगा, n is equal to 3 और l is equal to 0। अरे बात समझ, s की वैल्यू बेटा हमेशा 0 होगी, l की वैल्यू 0 होगी s के लिए, राइट, ठीक है। ये नंबर्स आपको याद करने हैं, मैंने नहीं, जितना बेहतर याद करोगे बेटा तो आपके पास आपके एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह।
कल इसी तरह मैं चैप्टर नंबर 4 के रिलेटेड भी आपसे टॉपिक डिस्कस करूंगा। उसके अलावा बेटा मोस्ट ऑफ द रेडिएशन कमिंग आउट फ्रॉम फिक्स्ड बैंड पर इलेक्ट्रॉन, बेटा याद रखिए किसी भी रेडिएशन किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो सबसे ज्यादा रेडिएशन पास होती हैं उनमें सबसे पहले है बेटा क्या बीटा रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद नंबर 2 पर आती है गैमा रेडिएशन, और फिर नंबर 3 पर आती है अल्फा रेडिएशन। अब आप देखिए दोबारा एक क्वेश्चन पूछा गया था नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ईच एनर्जी लेवल इज गिवन बाय द फॉर्मूला एन स्क्वायर, और ये लीजिए अब ये आपके पास ये हिस्सा यहाँ पर मौजूद है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नाम था, किसका नाम दिया गया है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ के साथ होगी सही। उसके बाद आएंगे द काइनेटिक एनर्जी, ये आपने देख लिया जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 आर है। उसके बाद है द एन प्लस एल वैल्यू ऑफ 4d ऑर्बिटल इज, अब क्या क्वेश्चन पूछे जा रहा है 4d बेटा एन नंबर आ गया 4 और d की वैल्यू 2 है तो 4 प्लस 2 आकर हो गए 6। आइसोइलेक्ट्रॉनिक आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ा कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा, याद दिला दूं आइसोइलेक्ट्रॉनिक का बेटा मतलब ये था कि जिसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम एटम नॉट ग्रुप ऑफ एटम एटम या कोई आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर हो जाए, प्रोटॉन सेम नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। अब जरा सोचिएगा फ्लोरीन का नंबर 9 है अपने 9 इलेक्ट्रॉन है, -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जस्ट कर लिया 10 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, आपने बच्चों आपको मैंने चैप्टर नंबर 3 में 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स को याद करने का तरीका सिखाया था, वो तरीका क्या था याद दिलाता हूँ लाए बड़े भाई वाली कंडीशन। तो ऑक्सीजन का नंबर 8 है अपने 8 इलेक्ट्रॉन है, -2 का मतलब क्या हो गया इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो। अब बेटा बाकी ए सी और डी क्यों नहीं लीजिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, प्लस का 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 11 में से 2 निकालिए 9 बच गए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, कितना है एटॉमिक नंबर इसका 12 है। अब मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिख रहा हूं 12 में से 2 निकालिए क्या बचेंगे 10, तो सोडियम के प्लस 2 के अंदर बच रहे हैं 9, मैग्नीशियम 2 प्लस से बच रहे हैं 10, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हो सकते। आगे चले जाओ अगला लिथियम सोडियम, बेटा लिथियम का नंबर 3 है, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन चला गया 2 बच गए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन चले गए 10 बच गए। बेटा एक ग्रुप के 2 एलिमेंट्स कभी सिमिलर नहीं हो सकते, हाँ एक गली में जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर अगर प्लस का चार्ज है तो उसको माइनस कर दो और माइनस का चार्ज के एटॉमिक नंबर में ऐड कर दो। ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, सल्फर का नंबर 16 होता है, 16 और 2 ऐड करो 18, 8 प्लस 2 ऐड करो 10, लिहाजा ये इसकी कंडीशन है। द वन ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट का मतलब बेटा सबसे बड़ी वेवलेंथ, बड़ी होगी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तुमने अभी सबसे पहले 2019 का ये क्वेश्चन पढ़ा, द कलर दिस कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वो वायलेट था, 4000 डिग्री एंगस्ट्रॉम इसका वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा जी की होगी, फ्रीक्वेंसी का मतलब स्पीड है बेटा। और रेड कलर वेवगायर में आर सबसे कम डेविएट होता है, लिहाजा रेड कलर वाली कंडीशन की वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। बेटा एच प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.625 × 10⁻³⁴ जूल इंटू सेकेंड है, और अगर अर्ग इंटू सेकेंड में याद दिलाओ तो माइनस का 28 होगा। द स्पेक्ट्रम ऑफ सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम इज द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट इज लाइमन, बेटा किसी भी ऑर्बिट से आ रहा है फर्स्ट में आ रहा है लाइमन होगा, सेकेंड में जा रहा है बैमर होगा। लीजिए नीचे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 2013, सीरीज ऑफ लाइन इज प्रोड्यूस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट इट इज बैमर। The electron in an atom cannot have all the 4 quantum number identical is the statement of Pauli's exclusion principle. The particle having a mass 18/36 times that of the electron is having the mass proton. But अगर मैं यहाँ पर 18/40 लिखूंगा तो फिर ये न्यूट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन 1836 प्रोटॉन है, 1842 न्यूट्रॉन है,
अब उसको 1842 से कम करके 1840 कर दिया गया है। और ये हमारे बच्चे जानते हैं कि अगर दो मशहूर शख्सियात का जिक्र मैथ वाला करूँ तो हारून और उसके साथ साथ मसूद भाई, और अगर मैं अधम का जिक्र करूँ तो वहाँ पर नज़ाकत और हारून भाई। हारून भाई प्रोटॉन तो नज़ाकत भाई न्यूट्रॉन है, अगर मैथ का जिक्र करें तो मसूद भाई न्यूट्रॉन तो हारून भाई प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन दोनों जगह हारून भाई है। ओके अब बेटा ऑन इमिशन ऑफ एल्फा पार्टिकल्स यूरेनियम 292 और 238, तो याद रखिए अभी आपने कुछ देर पहले एल्फा का साइन पढ़ा था जिसपे चार्ज प्लस का 2 था, यानी इसका मास नंबर 4 था और उसके प्रोटॉन 2 थे। बेटा 92 में से 2 कम कर दो 90 बचे, 238 में से 4 कम कर दीजिए 234 बचे। क्वेश्चन नंबर 3 2012 में आंसर आ गया तुम्हारा ए ऑप्शन इसका, सही है। एन ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3d सबशेल, बेटा कितने होंगे, d 3 कहे 4 कहे, d ऑर्बिटल होने चाहिए, तो d में पेयर इलेक्ट्रॉनों की तादाद 5 होती है। एन इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी एक्साइटेड व्हेन इट जंप्स टू अ लोअर ऑर्बिट, लूजेस एनर्जी, जी बेटा जब ऑर्बिट एक्साइटेड फॉर्म में होगा, याद रखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है लूजेस एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म में कब आता है बच्चों, जब वो एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी रिलीज करता है। अब जैसा कि यहां पर आप देख रहे हो कि जंप्स टू अ लोअर ऑर्बिट, बेटा जंप्स टू अ लोअर ऑर्बिट और लूजेस एनर्जी दोनों बातें दुरुस्त हैं, मगर असल काम यह है कि लोअर एनर्जी में कहीं पर भी ऑर्बिट जाए तो असल काम क्या है, लूज एनर्जी, एनर्जी को लूज करता है, ठीक है, राइट। उसके बाद बेटा आपके सेक्शन डी के कुछ क्वेश्चंस थे जिसके अंदर हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए काम सब करना सिखाया, इस सारे न्यूमेरिकल क्लास में डिस्कस किए जा चुके हैं। इंशाल्लाह मौका लगेगा तो चैप्टर नंबर 3 के वेव नंबर वाले न्यूमेरिकल्स और इसी तरह से बेटा रेडिएशन वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली चीजें आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखना चाहेंगे।